सेब को उगाया 12 इंच के छोटे से गमले में, वो भी हॉट वेदर में। ये कमाल करके दिखाया है बेंगलोर के कृपा निधि जी ने। आज के वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कृपा निधि जी की पूरी जर्नी, सैपलिंग से स्टार्ट करके एप्पल के हार्वेस्ट तक की। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि सेब के बगीचे में जाकर सेब को अपने हाथ से तोड़ें, तो उसके लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने बगीचे में ही सेब का पेड़ लगा के ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी कंप्लीट जानकारी कि कृपा निधि जी ने सेब की कौन सी वैरायटी लगाई, उसके लिए कैसे सॉइल मिक्स को तैयार किया, कौन सी इसमें खाद डाली, पेस्ट और डिजीज का मैनेजमेंट उन्होंने कैसे किया, इसकी प्रूनिंग कैसे की, और अंत तक हार्वेस्ट तक का पूरा ब्यौरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। वैसे इससे पहले भी कृपा निधि जी ने एप्पल की दूसरी वैरायटी ग्रो करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको जो सक्सेस मिली वो मिली गोल्डन डोरसेट एप्पल वैरायटी में। जनवरी 2022 में कृपा निधि जी ने 3 सैपलिंग्स मंगाई थी गोल्डन डोरसेट की मिस्टर राजकुमार से, और कृपा निधि जी के अनुसार मिस्टर राजकुमार ने उनकी काफ़ी हेल्प की इस एप्पल प्लांट को सक्सेसफुली ग्रो करने में। जो प्लांट कृपा निधि जी ने रिसीव किए थे वो 3 महीने पहले की ग्राफ्टिंग थी एक मैच्योर रूट स्टॉक पर। वैसे तो कृपा निधि जी को अनुभव था पहले से ही कुछ फ्लावरिंग प्लांट या फ्रूट प्लांट्स को ग्रो करने का, लेकिन एप्पल को ग्रो करने का ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करके जो भी बड़े से बढ़िया खाद और फर्टिलाइज़र वो दे सकते थे उन्होंने इन प्लांट्स को दिया। सॉइल मिक्स के लिए उन्होंने यूज़ किया रेड सॉइल का, वर्मी कंपोस्ट का, कोकोपीट का, और आपका काऊ डंग का भी यूज़ किया उन्होंने, शीप डंग का भी यूज़ किया। थोड़ी क्वांटिटीज़ उन्होंने डाली जैसे फंगिसाइड माइक्रोब्स होते हैं नीम के, नीम खली, बोन मिल पाउडर, और साथ ही उन्होंने यूज़ किया ऑर्गेनिक पोटेशियम एंड सीविट, यानी कि जो उनको समझ में आया कि जिससे कि प्लांट को ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो, सारा कुछ उन्होंने सॉइल मिक्स में यूज़ किया। कृपा निधि जी ने करीब 1 साल के समय में ही सैपलिंग से हार्वेस्ट तक का सफ़र तय कर लिया। ये अपने आप में एक कमाल की बात है, बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि यूजली गोल्डन डोरसेट में जो आपका फ्रूटिंग है वो आपका आमतौर पर 2 से 3 साल में ही होती है। ये पूछने पे कि आपने एप्पल डोरसेट में क्या खास फर्टिलाइज़र डाला, तो कृपा निधि जी का कहना है कि उन्होंने हर वो चीज़ जो उन्होंने पढ़ी सुनी या किसी ने उनको बताई वो सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, चाहे वो ऑर्गेनिक थी या इनऑर्गेनिक थी। तरह तरह के स्प्रे भी उन्होंने किए, और उनके जो मेंटर थे मिस्टर राजकुमार, उनके द्वारा बताए हुए जीवामृत या इस तरह की जो दूसरी प्रिपरेशन थी वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये नहीं कह सकते कि किस वजह से या किस खास फर्टिलाइज़र क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने सब कुछ यूज़ किया, उसका रिजल्ट ये रहा कि 1 साल में उनको एप्पल हार्वेस्ट करने को मिला। फर्टिलाइजेशन के बारे में करुणा निधि जी ने आगे बताया कि उन्होंने वीक लिक्विड फर्टिलाइजर का टाइम टू टाइम स्प्रे भी किया, साथ ही सॉइल में उन्होंने फिर से ऐड किए ऐसे माइक्रोब जो आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम का प्रोसेस करते हैं प्लांट के लिए। प्रूनिंग के बारे में कृपा निधि जी का कहना था कि उन्होंने प्लांट की जो तेज़ी से बढ़ती ग्रोथ को चेक करने के लिए इसकी जो टिप है साल में 3 बार करीब 6 से 12 इंच तक उन्होंने पिंच की। जनवरी में लगाई हुई गोल्डन डोरसेट की सैपलिंग में कुछ उनको सफलता दिखी जब सितंबर के महीने में प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। फ्लावर्स में बी पॉलिनेशन होने के बावजूद भी उन्होंने हैंड पॉलिनेशन किया, जिससे कि फ्लावर टू बेहतर की जा सके। बी पॉलिनेशन एंड हैंड पॉलिनेशन का रिजल्ट ये रहा कि काफ़ी सारे जो फ्रूट थे वो छोटे बेबी एप्पल में कन्वर्ट हो गए। सो हियर इज माय गोल्डन डॉरसेट एप्पल प्लांट इन अ 12 इंच एयर पॉट एंड इट हैज नाउ मेनी apple seed pods. Some of them have grown big, some of them are still growing. Maybe after a few days I will thin them out so that we have only 2 or 3 apples per branch. That's what they say. This apple has grown big, and these two
apple. So let's see how many of them actually grow. I have to still protect it from monkeys, squirrels, birds. प्लांट को पेस्ट एंड डिजीज से बचाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के स्प्रे का यूज किया। रेगुलर प्रिवेंटिव स्प्रे की वजह से प्लांट में कोई पेस्ट एंड डिजीज तो नहीं आई, लेकिन गिलहरी, बंदर से और चिड़िया से बचने के लिए एक मजबूत केज बना के प्लांट पे लगाना पड़ा। Today I have opened up the apples for a photo session. I'll harvest them today. Most of them are ripe. We had 7 in this 12-inch pot. Actually, inside a 12-inch pot. Just kept a bigger pot for stability. And I had 7 apples. You see 5 on the tree and 2 dropped off when I took out the monkey cage. I had a monkey cage on it. They're nice apples. They're supposed to be golden dorset, but flowered and fruited unseasoned, so it's now January 22nd. And 5 fruits are here. And this was the biggest of the lot. This makes it 7. I have the Anna now flowering. I have an Anna apple plant that is blooming today. That's also in a similar pot. There are several other apple trees at the back. It includes Einsheimer, HRM 99. Pruned them all. Hopefully they should bloom. But Anna has already bloomed. There is a tropic white here. It should also bloom. So there it is. My first experiment with growing apples in Bangalore in a pot. तो ये थी कृपा निधि जी की पूरी जर्नी सैपलिंग से हार्वेस्ट तक की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कृपा निधि जी का, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को वीडियो फॉर्म में और पिक्चर फॉर्म में हमारे साथ में शेयर किया। ये जरूर उन गार्डनर्स को फायदा पहुंचाएगा जो अपने टेरेस गार्डन में एप्पल को ग्रो करना चाहते हैं। ये वीडियो देख के मुझे विश्वास है कि आप भी अपने टेरेस गार्डन में सेब उगाने का आनंद लेना जरूर चाहेंगे। तो इसके लिए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो वीडियो के कमेंट्स में लिख के आप हम सबसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का वीडियो कैसा रहा? लाइक या डिसलाइक का बटन दबा के अपनी राय हमें जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक मेरा शिक्षिका, आप सबको नमस्कार।